ओके तो मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत और कह सकते हैं कि बहुत टाइम बाद एक शो के साथ आ रही है मॉम एंड को Correct. तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्यों चूज किया इस शो को इसकी कई वजह हैं और सबसे पहली वजह यह है कि जूम स्टूडियोज एंड टाइम्स है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा. दूसरी बात मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और बेहतरीन राइटिंग है. सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है और पहली बार आ रहा है शायद इस तरह का इतना लंबा चौड़ा शो. एक माँ और बेटे की कहानी है, उनके उनका रिश्ता है और उसमें उनकी ज़िंदगी के जद्दोजहद के साथ उतार चढ़ाव है और उनकी अपनी जो उनके अपना जो रेपो है या रिपोर्ट है या उनका बॉन्ड है उसमें बहुत लेयर्स हैं और मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत काम हुआ है. वैसे तो मैं कह नहीं सकती, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा. तो जानना चाहेंगे किस तरीके का किरदार आप निभाने वाली हैं? मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर वो शो की जो जो उसकी जो मिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन ये कि इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट औरत होने के बावजूद बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्रेव औरत है और उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, सफ़र बहुत किया है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता है और वो बहुत ही ज़िंदा दिल औरत है और साथ साथ बहुत हसीन है अंदर से, सेंसिटिव बहुत है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस किरदार का हिस्सा हैं और एक माँ बेहतरीन माँ है और उसके अपने एक औरत की जो अकेलापन है उसके एहसास हैं. तो इसलिए मेरे ख़्याल में इस किरदार में कुछ चीज़ें ऐसी पहली बार दिखेंगी जो शायद नहीं अभी तक इस तरह से लिखी गई थी या पेश की गई थी. ओके, कितना बीइंग अ मदर कितना रिलेट कर पाई इस कैरेक्टर के साथ में आप? एक्चुअली सुहासिनी नीलिमा अजीम की तरह बिल्कुल नहीं है. सुहासिनी जोशी एक बहुत अलग तरह का किरदार है, उसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से बहुत अलग है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है और माँ के जज्बात एक होते हैं. जिस तरह से वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है वो काफ़ी हद तक एक सही होता है. तो उस तरह से मैंने बहुत कुछ रिलेट किया है. आई ऑल्सो एम अ सिंगल मॉम सो आई रिलेट टू द कैरेक्टर क्योंकि ये कैरेक्टर भी जो है वो शी इज़ अ सिंगल मॉम. ओके, ऑल्सो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका ये डेब्यू मूवी होगा तो आपने तो टीवी किया है, मूवीज किया है, सब प्लेटफॉर्म ट्राई किया है, थिएटर भी बहुत किया है, सब कुछ किया है, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो क्या अलग लगा वेब में काम करके आपको? देखिए ऐसा है कि उसके मुझे तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतनी इन्वॉल्व्ड हूँ अपने काम में और सारे लोग इतने इन्वॉल्व्ड हैं उसमें और सब इतनी मोहब्बत से काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास फ़र्क है. बड़े पर्दे की अपनी एक बहुत मैजेस्टिक एक क्वालिटी होती है. लेकिन वेब सीरीज़ में जब आप एक कहानी बताते हैं तो उसकी क्योंकि वो स्प्रेड ओवर होती है, इसमें 10 एपिसोड्स में स्प्रेड ओवर है तो बहुत डिटेलिंग का काम आप कर सकते हैं और मेरे ख़्याल में तो लोगों ने टेक्निकली भी और हर तरह से अपनी पूरी कोशिश की है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. ओके, अगर बात करें हम जैसे कि आपने बताया कि एक माँ और बेटे के रिलेशनशिप के बारे में इसमें बताया गया है तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो टाइम है वो ऐसा हो गया है कि बच्चे हैं मॉम डैड को टाइम नहीं दे पाते हैं तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीइंग अ मॉम पर्सनली आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? कि देखिए मेरी अपनी पर्सनल कहानी बहुत अलग है उस तरह से तो पर्सनली मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी. लेकिन माहौल की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, हर तरह की ज़िंदगी लोग स्पेशली मेट्रोपोलिस में और जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे माँ बाप काम करते हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लाइन्स में हैं वहाँ पे इस तरह का एलिनेशन आइसोलेशन हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, दूरियाँ हो जाती हैं. लेकिन यही है कि एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप और बच्चों के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत और बहुत ही नाजुक तरह से मतलब एहसास बहुत खूबसूरत होता है. उससे ज़्यादा तो आप ज़िंदगी किसी के साथ नहीं गुजारते, आप आते ही वहाँ से हैं. तो इसलिए मुश्किल है आजकल का माहौल जो हम देख रहे हैं उसमें ज़रा काफ़ी डिस्टेंसिंग हो गई है और
मेरे ख्याल में कंपटीशन की वजह से, प्रोफेशनलिज्म की वजह से दूरियां हो गई हैं, लेकिन इस शो की जो जो खासियत है, जो खसूसियत है, वो यही है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स, स्पेशली देयर मदर्स। ओके, बात करें अगर कंटेंट की, तो अभी देख ज़्यादातर देखा जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट के मामले में काफ़ी ऊपर चला गया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं टीवी और फिल्मों को कंटेंट के मामले में इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है? मेरे ख्याल में तो फिल्मों में बहुत इंटरेस्टिंग एक रेवोल्यूशन आ रहा है, और पिछले 3 से 5 साल में और स्पेशली पिछले 2 सालों में बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में आ रही हैं, और बहुत छोटे बजट की फिल्में आ रही हैं, नए डायरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, मिस्त्रोस तो कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वेव चल रहा है, और वेब एक बहुत खूबसूरत काम कर रहा है, बहुत अलग तरह का कंटेंट कर रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं है, तो यस आई थिंक कंटेम्प्रेरी वर्क इज़ बीइंग डन ऑन वेब एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, जैसे कि आपने कहा पिछले 2 साल में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, तो अभी हाल ही में धड़क भी आई है ईशान की फिल्म में, तो कितना प्राउड फील करती है बीइंग अ मदर, यू नो हिट गई फिल्म, उनको अवार्ड्स भी मिले हैं उसके लिए, तो कितना जी हाँ, ये तो खुशी का मतलब जैसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में किसी भी माँ के लिए और बड़ी बात नहीं हो सकती कि उसके बच्चे जो हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हों और दुनिया उनको सराह रही हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अब मॉम और बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप दोनों के साथ में, मतलब शाहिद है और ईशान है, उनके साथ में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपका? दैट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन, आई थिंक द होल वर्ल्ड नोज। यस, तो टाइम वगैरह ऐसे दे पाते हैं वो लोग आपको? दैट्स वेरी पर्सनल, बट आई एम अ वेरी हैप्पी मदर। ओके, बिसाइड्स दिस और क्या कहना चाहेंगी, इसमें काम करके कैसा लगा, सीरीज में काम करके कैसा? बहुत अच्छा, एक तो मैं इतने सालों बाद काम कर रही हूँ और इतना अच्छा रोल मिला है, और उसमें जिस तरह से हम लोगों ने सबने डूब के काम किया है, मुझे बहुत उम्मीद है इससे। ओके, कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट की, क्योंकि इतना समय हो गया था? बहुत मेमोरीज हैं, हम लोग हंसी मजाक बहुत करते हैं सेट पे जब वक्त मिलता है तो, लेकिन यंग बहुत ही यंग यूनिट है, और इसलिए आई थिंक आई बिकम देयर मॉम इन अ वे, सो या इट्स नाइस, आई मीन वी लॉट्स ऑफ हैप्पी इंसिडेंट्स, कुछ बच्चे और भी इसमें काम कर रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं, और कोई यूपी में अपने वो करता रहता है, और कुछ जो है बिल्कुल लिटरली दे हैव कम फ्रॉम धारावी टाइप ऑफ अ बैकग्राउंड यू नो, और उस तरह के वो परफॉर्मेंस अपने मराठी वराठी फील्ड में देते रहते हैं, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन इन द सेंस। ओके, आल्सो आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब क्या अलग लगा ये किरदार निभाते वक्त आपको? जैसे कि मैंने कहा एक मराठी औरत का रोल मैंने शायद इतने लंबे फुटेज में पहली बार किया है, एक बार पहले किया था, लेकिन वो ज़्यादा हिंदी बेस्ड पे, और ज़्यादा वो उस तरह के तबके का था जो चॉल्स बैकग्राउंड का है, जैसे चांदनी बार उस कहानी पे बेस की थी वो फिल्म, तो वो किरदार मैंने प्ले किया था। इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत नाजुक किरदार है, खूबसूरत किरदार है, बहुत हंसमुख किरदार है, और उसको इतना नेचुरली प्ले करना, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है, वो मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज था टू मेक इट लुक रियल। ओके, अगर बात करें फिल्मों की, तो आप तो फिल्मों से जुड़ी हुई रही जी, तो आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं इंडस्ट्री में, अगर बात करें तो मी टू वगैरह की, तो उस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शो दिस टुडे, और उसके लिए आपको फिर से मुझे बुलाना पड़ेगा। We'll talk about other things then. Okay, so lastly, कहाँ पर देखेंगे audience इस आपकी series को, उसके बारे में? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में Zoom के channel पे आएगा, and उसके बाद let's hope that it's channelized on the television channel also, and maybe on Dimes also. So I think Zoom Studios. अच्छा, so Zoom Studios का YouTube channel है एंड टी वी पे। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस से, हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? प्लीज वॉच मॉम एंड को, आई एम कमिंग बैक आफ्टर 15 इयर्स एंड इट्स अ गुड शो।